शनि राहु और केतु। वैसे तो मेरे अनेक वीडियोस में ये तीन ग्रह के बारे में मैंने अनेक प्रयोग आपके साथ शेयर किए हैं, अनेक उपाय शेयर किए हैं। हमारे बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में शनि राहु और केतु ठीक नहीं है, या तो तीन में से एक ठीक नहीं है, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है, ये सभी जानकारी मैंने मेरे पुराने वीडियोस में आपके साथ शेयर की है और उपाय और प्रयोग भी बताए हैं। जन्म कुंडली में शनि राहु और केतु ठीक नहीं है, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में तीन में से कोई भी ग्रह एक ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं होने की वजह से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शनि राहु और केतु ऐसे ग्रह है जो होता है अचानक होता है, देता है तब अचानक देता है, लेता है अचानक लेता है। आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पूरे परिवार के कोई भी सदस्य की जन्म कुंडली में शनि राहु और केतु तीन में से कोई ग्रह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं होने की वजह से परिवार के वो सदस्य के जीवन में समस्याएं और परेशानियां आ रही है। आपके पास आपकी जन्म पत्री नहीं है, आपका बर्थ चार्ट नहीं है, शनि राहु और केतु आपकी जन्म पत्री में कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, वो भी आपको मालूम नहीं है, आपकी राशि कौन सी है वो भी आपको मालूम नहीं है। ये प्रयोग करके देखें दोस्तों। बिजनेस का अचानक डाउन हो जाना, नौकरी छूट जानी, लगातार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त होती है, कर्ज का बढ़ जाना, घर में क्लेश रहना, बीमारी का पीछा नहीं छोड़ना, कोई ऐसी बीमारी लग जाना कि सभी रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं, दवाई सपोर्ट नहीं कर रही है, मेडिसिन सपोर्ट नहीं कर रही है। दोस्तों, अपेक्षा रखता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे, उपाय को ठीक से समझेंगे, एक महीना उपाय करके देखें, 30 दिन ये उपाय करके देखें। सिर्फ उपाय करना है, हर दिन सूर्यास्त के बाद करना है, आपके घर के अंदर ही करना है। एक महीने में अगर आपके जीवन में शनि राहु और केतु की वजह से कोई समस्या आ रही है, विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई है, तो वो समस्याएं कम अवश्य हो जाएगी। समझ लेना कि ये समस्या शनि राहु और केतु की वजह से आ रही थी। चैनल पर पहली बार आए हैं, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब का बटन दबा ले, पास वाली बेल दबाए। छोटे से प्यारे से परिवार का आप भी हिस्सा बन जाए। छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम, अवश्य लिखे। ये महा उपाय है दोस्तों, आप महा उपाय करके देखें। अगर ये महा उपाय आप हर दिन करते हैं, लाभ अवश्य होता है आपको। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान आप तक पहुंच जाएगा। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी, फालतू के कॉल, फालतू के मैसेज और एनी टाइम कॉल ना करें, आप मैसेज करके रख दें, जवाब अवश्य दूंगा, सभी को जवाब देता हूँ, आपको भी जवाब दूंगा। बात करनी है मेरे साथ, निशुल्क है, मैसेज करके रख दे, मैं आपको समय दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा वो समय पे आपका कॉल मैं रिसीव करूं, आपके साथ बात अवश्य करूंगा।
सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। सिर्फ आप मैसेज करके रख दें, नंबर नोट कर लो 8732985130। लौंग, आपकी पांच उंगली में आए उतने लौंग लेने हैं, पांच उंगली में आए उतनी अजवाइन लेनी है, पांच उंगली में आए उतने काले तिल लेने हैं और पांच उंगली में आए उतने सफेद तिल लेने हैं। शनि राहु और केतु है, ये चार चीज का आप पाउडर बनाकर एक डिब्बी में भर के रख दे। भीमसेनी कपूर, जिसे देसी कपूर बोलते हैं, भीमसेनी कपूर बोलते हैं, बाजार में मिल जाता है आसानी से, थोड़ा महंगा आता है, भीमसेनी कपूर लाए बाजार में से। ये उपाय आप हर दिन करेंगे, हो सके तो शनिवार के दिन से शुरू करें और कंटिन्यू एक महीने तक, 30 दिन तक आप ये उपाय चालू रखें। बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ समस्याएं कम हो रही है, तो उपाय आप आगे चालू रख सकते हैं, मगर कम से कम 30 दिन उपाय करके देखें। और लगातार अगर आपको उपाय चालू रखना है तो 90 दिन, 3 महीने तक ये उपाय करें। दोबारा बोलता हूँ, शनि राहु और केतु, ये तीन में से एक ग्रह ठीक नहीं है। परिवार के कोई भी सदस्य की जन्म पत्री में ये ग्रह ठीक नहीं है, तो वो ग्रह संतुलित हो जाएगा। जो विपरीत परिस्थितियां है, जो समस्याएं आ रही है, वो समस्याएं कम अवश्य हो जाएगी। हर दिन सूर्यास्त के बाद आपके घर की वेस्ट वाली दिशा में, पश्चिम वाली दिशा में, एक ऐसी लोहे की कटोरी में 3-4 टुकड़े वो देसी कपूर के अंदर डालें। आप जो घर में खाते हो वो तेल लेना है, रसोई घर में रहते हो वो तेल लेना है। सभी 3 टिकिया आपने डाली तो तीनों टिकिया के ऊपर एक एक बूंद आपके रसोई घर में से तेल ले, एक एक बूंद तेल की लगाई कपूर की टिकिया के ऊपर। कपूर की टिकिया को जलाए, इस कटोरी को आपके घर की वेस्ट वाली बाजू रखेंगे, पश्चिम दिशा वाली बाजू रखेंगे। कपूर जलने लगे बाद में अजवाइन, लौंग, काले तिल, सफ़ेद तिल। दोस्तों एक बात का ख्याल रखें कि इतने ना पिसले कि तिल में से तेल निकल जाए, इतना ना पिसे, मामूली मामूली पिसना है। जलती हुई कपूर की टिकिया के ऊपर 3 चुटकी इस पाउडर की डाल दे, जल जाने दे, धुएं को पूरे घर में दिखाए, पूरे पाउडर को जल जाने दे। ये पाउडर आप हर दिन जलाएंगे, लगातार जलाएंगे, कोई बात की पाबंदी नहीं है। अब जो एस बनती है, भस्म बनती है, वो भस्म को फेंके नहीं, संभल कर रखे। हर दिन स्नान करने के बाद इस भस्म से आप तिलक करें, आपके स्नान के पानी में 1 चुटकी इस भस्म की डालें। आपको एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं, आपको बताया गया है कि शनि ठीक नहीं है, राहु ठीक नहीं है, या तो केतु ठीक नहीं है, चंद्र के साथ शनि है, चंद्र के साथ राहु है, जो भी है, मगर शनि राहु और केतु की वजह से कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या कम अवश्य हो जाएगी। 1 चुटकी पाउडर हर दिन आपके स्नान के पानी में डालें, वो पानी से स्नान करें, इस भस्म से आप हर दिन तिलक करें। थोड़े दिन पहले मैंने एक उपाय शेयर किया था, एक टोटका शेयर किया था कि आप के ऊपर कोई कोल्ड केस चल रहा है, शत्रु से परेशान है, शत्रु भय से पीड़ित है, आपके अहित करने वाले बढ़ गए हैं, तो जो भी समस्या है, एक लहसुन की कली लेनी है आपको, कली के छिलके निकाल दे। बहुत सारे भाई बहनों की कमेंट देखी और
उपाय समझ में नहीं आया है शायद, मैंने तो ठीक से समझाया था। ऐसा एक सफेद पेपर लेना है बिना लाइन वाला, शनिवार से शनिवार तक यह प्रयोग करना है। लहसुन की कली के छिलके निकाल दे। अब लहसुन की कली के छिलके निकाल के लहसुन की कली से इस पेपर के ऊपर आपकी जो भी समस्या है वो समस्या आपको सोल्ट में लिखनी है। जैसे शत्रु बढ़ गए हैं, शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम लिखे, या तो शत्रु लिखे। बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, बीमारी चाहे कोई भी है, बीमारी लिखे। सौतन से परेशान है, सौतन का नाम जानते हैं, सौतन का नाम लिखे, या तो सौतन लिखे। कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज लिखे। जो भी समस्या है आपकी, लहसुन की कली से इस पेपर के ऊपर आपको लिखनी है। आप लहसुन की कली से लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा क्या लिखा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो देखना भी नहीं, सिर्फ लिखना है। तुरंत का तुरंत इस पेपर को आप जला दें, कोई भी डिश में रखकर पेपर को जला दें, इससे छोटा पेपर भी जलेगा, पेपर को जला दें। पेपर जल जाए, पूरा जल जाए, इसको घर के बाहर फेंक दे, नाली में बहा दे, टॉयलेट में बहा दे। लहसुन की कली को तुरंत का तुरंत घर के बाहर फेंक दे। शनिवार से शनिवार तक ये उपाय करेंगे 1 महीने में। अब दूसरा महीना आया तब शनिवार से शनिवार तक उपाय करेंगे। तीसरे महीने शनिवार से शनिवार तक आप ये उपाय करेंगे। वैसे 3 महीने तक शनिवार से शनिवार तक 8 दिन उपाय करना है। दोस्तों, जो भी समस्या है, कर्ज, शत्रु, शोतन, बीमारी, जो भी समस्या है, जो भी समस्या की वजह से आप चिंतित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, वो समस्या, वो परेशानी कम अवश्य हो जाएगी। अगर कर सकते हैं तो दोनों उपाय आप साथ में करें, नहीं तो कोई एक उपाय भी आप कर सकते हैं। उपाय सभी काम करते हैं। जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और आस्था की। कल के वीडियो में मैंने कुछ कमेंट पढ़ी, कल का वीडियो भी मैंने बनाया था कि आप उपाय करते हैं मगर अनजाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ गलत मैसेज देते हैं तो उपाय काम नहीं करते हैं। कल का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कल की वीडियो की लिंक रखी है। कुछ भाई बहनों ने कमेंट की है तो कल के वीडियो में कमेंट भी आप जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कमेंट किए, कैसे कैसे कमेंट किए और खुद के सबकॉन्शियस माइंड को कैसे गलत मैसेज देते हैं। कमेंट के माध्यम से लिखकर मैसेज देते हैं, खुद के मन को मैसेज देते हैं। मुझे तो कोई असर नहीं होगा मगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत मैसेज देते हैं, अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ये बात मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। बस दोस्तों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।